मॉर्निंग क्लास, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको मैंने एक बेसिक क्लास बताई थी क्लास 11th की, जिसके अंदर आप लोगों को बताया था कि कैसे 6 to 10 से किताब का पढ़ना है और बाकी की चीज़ें स्टार्ट। लगता है आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में भी आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे, आज आपकी जो ये राजस्थान गवर्नमेंट की 2 बुक्स है, इस तरीके की आपकी 2 बुक्स आएंगी, आपको यही वाली एक बुक परचेज़ करनी है। काफ़ी बच्चों का था उस ग्रुप के अंदर, मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ और जल्दी मैं उसमें जुड़ भी जाऊंगा, तो मैं आपको बाकी जो चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है अपन बैठ के डिस्कस कर लेंगे। राजस्थान बोर्ड की क्लास 11 ज्योग्राफी की बुक आ चुकी है, अपन को वही पढ़नी है। अगर आप लोग CBSE की बुक लेकर आए, मैटर तो उनमें दोनों में सेम है, और मार्केट में अगर ये अवेलेबल है तो हम लोग ये लेकर आएंगे, क्योंकि ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 87 रुपीज़ की किताबें हैं दोनों। और जिसके अंदर पार्ट ए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, ये दोनों किताबें आप धाकड़ से यहाँ से आप लेकर आ सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे, एक किताब का है जो पहली किताब है आपकी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। और दूसरी आएगी आपकी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी जब भी आ जाता है, मतलब आप सबसे कॉन्क्रीट स्टडी पढ़ रहे हो, और दूसरा है ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हो और इंडिया की ज्योग्राफी नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं आता। तो आपका एक सबसे पहले तो होमवर्क नोट डाउन कर लें, क्योंकि आज हम लोग पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड की बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका जो सबसे पहला रहता है आपका इंडिया, इंडिया के स्टेट्स एंड उनकी कैपिटल्स, ये आप लोगों को कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है और उसको याद भी करना। बहुत से बच्चे होंगे जिनको नहीं आती सारी, और बहुत से बच्चे होंगे जो आ रही हैं। मैंने आप लोगों को एटलस के बारे में बताया था, आपको एटलस का भी इस्तेमाल करना है इन बुक्स के साथ में। बुक्स बहुत अच्छी है, और बहुत ही जल्दी मैं आपकी एक फिजिकल क्लास पक्की लूँगा मैं, ताकि आपका और मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों को कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि लाइव क्लासेस में इतना इंटरेक्ट हो नहीं पाता। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपकी जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है, तो इसके लिए आप लोगों को कॉपी एक ही बनानी, और जैसे जैसे मैं चैप्टर कराता रहूँ वैसे वैसे आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करते रहना। तो आज हम लोग एक काम करते हैं कि इसी किताब का थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। आपकी पहली किताब है बेटा जो है आपकी इंडिया, ये पार्ट फर्स्ट वाली है, इंडिया इन इट्स लोकेशन। आप गवर्नमेंट बुक की लेकर आएँ, क्योंकि अगर मैं आपको पेज नंबर बताऊँगा तो थोड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि NCERT के अंदर पेज नंबर थोड़े से डिफरेंस हो जाते, मैटर भले ही सेम हो। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि पार्ट वन एंड पार्ट टू अलग अलग है, और ये दोनों की दोनों किताबें लेकर भी आनी है आप। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया की, मैं ऊपर का पार्ट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग नीचे से ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे इंडिया की जो कंट्री है, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला, सुला या पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो होता है जिसके एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ पानी होता है, उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर पहले आपके 29 स्टेट्स थे, उनमें से एक स्टेट है जो आपका हटा दिया गया J&K, यहाँ से आर्टिकल 370 एंड 35A उनको हटाने के बाद में आपके स्टेट की कैटेगरी से हटके बन गई आपकी यूनियन टेरिटरी। तो आपके 28 स्टेट, और पहले आपकी यूनियन टेरिटरी थी 7, दो नई बन गई है, तो अब टोटल हो गई 9। इनकी कैपिटल अगर आपको अच्छे से याद होनी चाहिए टेक्स्ट पे, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा इंडिया का मैप, फिजिकल पॉलिटिकल दोनों। तो आपको सबसे पहले ये आपका पॉलिटिकल मैप भी बनाना है, आपको फिलअप करना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है। बुक बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका पुराने पैटर्न के हिसाब से नहीं है, नए पैटर्न के हिसाब से 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी पूरा का पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपको ये भी बताना चाहिए कि आपकी इस कंट्री के आसपास
आपकी नेबरिंग कंट्री कौन सी है? नेबरिंग कंट्री में हमारे अगर हम लोग वेस्टर्न पार्ट की बात करेंगे तो वो है आपका पाकिस्तान। नीचे सदर्न की अगर हम लोग बात करेंगे, ये वाला थोड़ा सा मैं दूर बना दिया, ये आपका श्रीलंका है। यहाँ की बात करोगे बांग्लादेश है, यहाँ आपका चाइना है, और बाकी जो बांग्लादेश है यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। तो इन सारी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और आगे देखेंगे हम लोग इसी में। तो अगर आप लोग बात करोगे इंडिया का, ये वाला जो पार्ट है ये आपका है नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट। ज्योग्राफी के आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों से अगर कोई पूछता है डायरेक्शंस क्या हैं या कितनी है, तो डायरेक्शन आप लोग कितनी बताते हो? बेसिकली चार। सन हमेशा उगेगा कहाँ से? ईस्ट से। सेट कहाँ पे होता है? वेस्ट पे। ऊपर आ गया आपका नॉर्थ, नीचे आ गया साउथ। ये आप लोग अगर 10th तक बताते थे तब तक ठीक था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे? अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी होती है, तो वो होती है 16। ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे आप लोग, इस तरीके से। तो अगर आप लोग यहाँ बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ साउथ ईस्ट, और ये ईस्ट कर देना साउथ साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट साउथ वेस्ट, ये आएगा आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से आपकी टोटल 16 डायरेक्शन। आपको अगर कभी आप जब फिजिक्स क्लास में आएंगे तो मैं आपको एक एक डायरेक्शन बता दूंगा ये कैसे किस तरीके से 16 है। अब हम लोग थोड़ा सा फिजिकल की तरफ देख लें, क्योंकि बिना डायरेक्शन के अगर आप लोग कोई मैप पढ़ रहे हैं आपको खुद को समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। एक और चीज़ देखोगे, ये आपका अर्थ, अर्थ को जो हाफ पार्ट में जो डिवाइड करता है वो लाइन है आपकी इक्वेटर। ये इंडिया को बताते हुए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ऊपर आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ आपका आर्कटिक सर्कल है और यहाँ आपका एंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर ये नहीं आएगा समझ में तो ज्योग्राफी की बेसिक चीज़ें भी आपको नहीं आएगी समझ। इंडिया तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को भी देख लें। ये आपका इंडिया का बेसिक डिटेल है। अगर हम लोग बात करेंगे आगे, एक लाइन यहाँ से जाती है नीचे तक आएगी, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ये जो भी लाइन्स है इन सब लाइन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। यहाँ जीरो है, ये भी जीरो है, और यहाँ अगर आप लोग देखोगे ये इक्वेटर जो है, इक्वेटर पे आने पे ये मैक्सिमम दूरी पे होती है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके बिल्कुल जीरो पे हो जाती है। ये आपका एक, अगर आप लोग वाटरमेलन देखेंगे, वाटरमेलन इसी तरीके का होता है। अगर आप इसको कटिंग करके निकालते हो तो यहाँ से स्लाइस निकल सकती है। उसी की तरह आपका ये आएगा आपका लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ताकि हम लोग इसकी लोकेशन निकाल सकें। आप लोग सारे के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन होगा जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों को देखा होगा कि काफ़ी बार आपको लोकेशन निकालने के लिए बोलता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आपको बोलेगा आपकी लोकेशन कहाँ आ रही है। तो लोकेशन के लिए आपकी वो दो चीज़ें चेक करता है, एक करता है आपका लॉन्गिट्यूड, एक करता है आपका लैटिट्यूड। और यहाँ आप खड़े हो, जिस जगह पे आप खड़े हो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड्स। आपकी ग्रिड निकाली जाती है जो आपके बिल्कुल सर के ऊपर होती है पिन पॉइंट पर। ग्रिड के हिसाब से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी लोकेशन कहाँ है। तो आपको ये आपका मैप है ना, आपको अच्छे से समझा दिया अभी, मैप करना है आप लोगों को। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसकी बेसिक डिटेल ये पढ़ लेना थोड़ा सा, और इनके अंदर जितनी भी इनकी कैपिटल इन सबको याद कर लेना, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्थ एंड साउथ का भी पता चल जाएगा। ये 0 डिग्री मैंने आपको बताया, 0 डिग्री इक्वेटर को माना गया है यहाँ से यहाँ तक,
उसके अलावा यह है आपकी 23.5 डिग्री, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। हेमिस्फेयर क्या होता है ये भी समझ लो, जब आप इक्वेटर से अगर इसको काट के यहाँ से अगर यहाँ तक की जब कटिंग होगी तो ये आपका क्या बन जाएगा, हेमिस्फेयर बन जाएगा। हेमिस्फेयर वन है और हेमिस्फेयर टू, तो ये आपको समझ में आ गया होगा लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड कैसे बनता है, ग्रीड क्या होती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर इंडियन इसकी लोकेशन के बारे में पूरा का पूरा, इस चैप्टर को एक बार आप रीड आउट कर लें ताकि हम लोग फिर कल इसको पूरा डिटेल में एक बार स्टडी करेंगे कि किस तरीके से आपका ये बन रहा है ना। और इसके अगर पीछे की जो एक्सरसाइज वो भी आप लोगों को एक बार पढ़नी है, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, आपको बीन जो इसमें जो क्या क्या काम की चीज़ है वो सारी की सारी पीछे दी हुई है, उस तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे। करीब 4 आपको मल्टीपल चॉइस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारी चीज़ें वो भी आप लोग पढ़ लेना इसको। और इसके बाद में हम लोग जो डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर है, और कल मैं आपको इसका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारा का सारा जो आपका चैप्टर वो पूरा पूरा पढ़ा दूंगा। तो अभी आपका सिर्फ ये मुश्किल से 3 पेज का ये चैप्टर है, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देना था, थोड़ा बुक्स के बारे में बताना था, हो सकता है कि काफ़ी बच्चे जिनके पास ये बुक नहीं हो, तो आपका आज तक का जो टाइम है जब ये मेरा वीडियो कल आएगा आपके पास तो तब तक का टाइम है, आप शाम तक इस बुक को लेकर इसका चैप्टर पढ़ लें, क्योंकि जो नेक्स्ट होगी उसके अंदर मैं आपको पूरा होमवर्क भी दूंगा और मंडे को हो सकता है आपके होमवर्क की कॉपी स्कूल के अंदर आ भी जाए। आपका पहला मेन काम है आप स्कूल के अंदर ये वाली जो राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसको आप लोग पहले परचेस कर लें, बुक आएगी तभी काम कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले आप चैप्टर पूरा सेल्फ स्टडी करें तब मैं समझाऊँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार आप लोगों को ये काम कर दें, रजिस्टर के अंदर जो मैंने आपको दिए कि आपकी जो जितने भी स्टेट्स हैं उनकी यूनियन टेरेटरी उनके कैपिटल को लिखना है, एक आपको मैप बनाना है पॉलिटिकल का, मार्केट से परचेस कर लें उसी को पेस्ट करना है, उसके अंदर भी मेंशन करना है कौन सी स्टेट कहाँ पे। तो जब आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा फिर आपको मैं इंटरनेशनल की बाउंड्री वगैरह बताऊंगा, इंडिया चाइना के बीच में कौन सी है, इंडिया श्रीलंका के बीच में कौन सी आती है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी सबसे बड़ी बाउंड्री कौन सी है। बहुत काम की चीज़ें हैं ये, आप लोग जब तक आगे बढ़ोगे तब तक आपका काम रहेगा। और इसके इंटरनेशनल बाउंड्री के अलावा आपकी सी बाउंड्री भी होती है, उसको सी बाउंड्री को कैसे नापते हैं वो सारी चीज़ें, इंडिया का नॉर्थ साउथ का जो लास्ट पॉइंट कौन से वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, नेबरिंग कंट्री के बारे में बताएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आपको जब पढ़ोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, और बाकी अपन लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आपका मेन काम है ग्रुप के अंदर मैं जैसे जोड़ता हूँ मेरे को सब लोग बता दें कि हमारी बुक्स आ चुकी है, अगर कोई बच्चा गलती से भी अगर CBSE किताब लेकर आ गया है तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम ये आएगी कि पेज नंबर जो मैं बताऊँगा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन से पेज पर हो सकता है, क्योंकि पेज नंबर 19-20 हो। बाकी बुक आपकी ये है गवर्नमेंट धाकड़ बुक की मिल रही है 87 रुपीज़ की, दोनों किताबें, दो किताबें अभी लेकर आ जाएं, प्रैक्टिकल के भी लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी का ये काम है जो दे रहा हूँ वो कर लेना आप लोग। थैंक यू क्लास।